नमस्कार दोस्तों, मैं जयशंकर झा आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं इंग्लिश, साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए इंग्लिश का आंसर की लेकर आया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा दिए गए प्रत्येक वीडियो का जानकारी आपको तुरंत मिले और मैं रेगुलर आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आता रहूँगा। अब पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसका आंसर होगा इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी। मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो सेट सी है। आप लोगों के पास जो सेट हो वीडियो को पॉज करके आंसर मिला सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ए रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज। तो रिटन स्टेटमेंट को एफिडेविट कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है। तीसरा प्रश्न है, यू डैश द पियानो। इसका होगा आंसर आर प्लेइंग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चौथा, वी डैश हिम यस्टरडे। इसका आंसर होगा विजिटेड, ऑप्शन बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे कि लिखा हुआ यस्टरडे और यस्टरडे एगो रहने पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा विजिटेड। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। इसका आंसर होगा डी, सी वांट्स 3 eggs। अगला क्वेश्चन है, द टीचर डैश अबाउट द वेदर। इसका आंसर होगा टॉक्ड, ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न है, ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसका करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होगा ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पोस्ट द लेटर फॉर हिम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वी डैश दैट यू वुड सक्सीड। इसका सही ऑप्शन होगा होप्ड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सी इज प्लीज डैश मी। इसका प्रीपोजिशन चुनना है सही, इसका होगा विथ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आर यू कमिंग विथ अस ही आस्क्ड मी। इसका बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको कन्वर्ट करना है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग विथ देम। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ऑप्शन डी, ही विल नेवर टेल ए लाई। अगला प्रश्न है, हु इज द पर्सन डैश दिस पिक्चर। इसका सही प्रीपोजिशन चुनना है, इन होगा इसका सही प्रीपोजिशन, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, द कैट इज ईटिंग द फिश। इसका करेक्ट पैसिव वॉइस, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन ए, आइदर ऑफ थ्री मैन कैन डू इट। अगला प्रश्न है, श्याम आस्क्ड हर इफ सी वॉज इल। इसको डायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना है, इसका होगा श्याम सेड टू हर आर यू इल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ऑप्शन ए, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। अगला प्रश्न है, 17वां, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है वो है विटामिन, VITAMIN, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 18वां, यस्टरडे आई डैश टू बाई ब्रेड। इसका होगा वेंट, क्योंकि इसमें भी यस्टरडे लिखा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको बनाना होगा, इसलिए इसका भर्व का दूसरा रूप वेंट होगा। अगला प्रश्न है, प्लीज़ गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। इसमें द का प्रयोग होगा, क्योंकि यह उस केक का बात कर रहा है, निश्चित केक का बात कर रहा है जो कि टेबल पर रखा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर होगा द, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यू डैश गेट ए न्यू ड्रेस टुमारो। इसका सही ऑप्शन होगा विल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द मदर सेट सेट इन ए कॉर्नर डैश हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। इसका होगा सही आंसर टू वॉच, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, लर्निंग डैश इज नॉट ईजी। इसका होगा इन फ्रेंच, लर्निंग इन फ्रेंच इज नॉट ईजी। तो इसमें प्रश्न है, सी डैश बी एव 40। इसका सही आंसर होगा विल, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, आरती मेड मी डैश माई शूज। आरती मेड मी डैश माई शूज बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस। इसका होगा टुक ऑफ, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। इसका सही आंसर होगा टॉट, यस्टरडे है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है और आसान भी है, इसीलिए इसका आंसर होगा टॉट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 hours एवरी डे। इसका प्रैक्टिस एवरी डे है तो आदत की बोध करा रहा है, तो इसीलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना था, जो कि प्रैक्टिसेस होगा, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, इट मे रेन
वी विल गेट वेट। इसका चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन इसको मिलाना है, तो इसका सही आंसर होगा इफ़ इट रेन्स वी विल गेट वेट, ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न है 28वां, लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज, इसका होगा लीव, लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है 29वां, रीता डैश टू द रेडियो, इसका होगा इज लिसनिंग, रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो। अगला प्रश्न है द विंडोज हैव बीन क्लीन, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, इसका एक्टिव वॉइस चुनना है जो कि होगा ऑप्शन सी में, समवन हैज क्लीन्ड द विंडोज। अगला प्रश्न है प्लीज बी क्वाइट आई डैश माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क, प्लीज बी क्वाइट, ऑप्शन सी 31 का। मैंने जो आंसर दे रहा हूँ वो सेट सी है, आप लोगों के पास जो सेट हो वीडियो को पॉज करके मिला सकते हैं। 32वां प्रश्न है ही इज गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक, इसका होगा सही आंसर ऑन ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है 33वां, डैश ही ड्राइव टू वर्क, इसका सही आंसर होगा डज ही ड्राइव टू वर्क, ऑप्शन डी। 34वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, जो करेक्ट सेंटेंस है वो आई एम गोइंग नाउ, अगर चारों ऑप्शन को ठीक ढंग से देखेंगे तो इजीली पता चल जाएगा कौन सही है सेंटेंस, जो ऑप्शन ए है 34 का ए। 35वां क्वेश्चन है देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन को चुनना है, इसमें सही प्रीपोजिशन जो होगा होगा अक्रॉस, जो कि ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग सो ही डैश प्ले फुटबॉल, इसका करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब चुनना था, तो इसमें होगा कैन नॉट प्ले फुटबॉल, ऑप्शन ए। अब जो यहाँ से 37 से 60 जो क्वेश्चन है वो बुक बेस्ड है। 37वां प्रश्न देखिए, एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर इज फ्रॉम, ये स्नैक से लिया गया है, ऑप्शन सी में होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, इसका सही आंसर होगा एसेंशियल ह्यूमिनिटी ऑफ मैन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है रूपर्ट ब्रोक प्राइजेज, ये इंग्लैंड होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, इंग्लिश लैंग्वेज जो है यंगर है संस्कृत की अपेक्षा, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा यंगर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज केप्ट इट अलिव अप टिल नाउ इज फ्रॉम, यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जिसके राइटर है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाई, ये शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाई, ये बर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड मिडिल इंग्लिश, ऑप्शन सी। अगला है वाल्टर डेला मर्रे मेक्स अस अवेयर ऑफ दी, तो इसका सही आंसर होगा इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है जॉन डॉन इज ए डैश पोइट, ये जॉन डॉन कैसे कवि थे, तो इसका सही होगा आंसर मेटाफिजिकल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस आवर एंसेक्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, ऑप्शन बी। 48वां क्वेश्चन है एंड द नाइटिंगल इज डम्ब इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो इसका ये लाइन लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल, इसका सही आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन को चुनना है ऑलवेज मार्च अहेड। अगला प्रश्न है व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन व्हिच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, नेशनल पर्पस के लिए प्राइम इंस्ट्रूमेंट जो है वो है एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन वी कैन डू एनीथिंग, इसीलिए इसका सही आंसर होगा एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है 51 द वेस्टलैंड इज रिटन बाय, वेस्टलैंड टीएस इलियट के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए। 52वां क्वेश्चन है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश, इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश सीवन इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया, ये सोल्जर से लिया गया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज सेकेंड लैंग्वेज, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज, इसका होगा फ्रीजी, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, बर्टन रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950 में, ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न है, सावित्री इज रिटन बाय, सावित्री जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न है, आवर फॉर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, आवर फॉर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, क्योंकि इसका आंसर होगा दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव। अगला प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ द पीस डैश, ये भारतीय में होम के ऑथर थे, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, वाल्टर डेला मरे वॉज बॉर्न इन, इसका आंसर होगा 1873। ये रहा इंग्लिश क्वेश्चन के 60 ऑब्जेक्टिव का आंसर। मैं जो आंसर दिया हूँ मेरे हिसाब से तो सही है, अगर आप लोगों को लगता है कि किसी ऑप्शन में या किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई फॉल्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना राय रख सकते हैं, मैं देख लूँगा, अगर सही होगा तो मैं बता दूँगा, अगर आपका सही होगा तो भी बता दूँगा। तो ये रहा आज का इंग्लिश, जो कि साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की, आर्ट्स वाले का एग्ज़ाम अलग से होगा। अतः आगे भी जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो बचा हुआ जो एग्ज़ाम है इंटरमीडिएट का और आने वाला जो एग्ज़ाम है मैट्रिकुलेशन का, सभी विषयों का आंसर की मैं प्रोवाइड करूँगा। और आगे ऐसे ही पढ़ाई के कुछ अच्छे अच्छे वीडियो टिप्स डालता रहूँगा, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपने फ्रेंड के बीच शेयर करें। धन्यवाद।